मिस्टर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल आई होप आप लोग सब ठीक होंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंगल डिसीज़ फंगल डिसीज़ में आज हम सबसे पहले तो यहाँ पे जर्नल फीचर्स डिस्कस करेंगे कुछ और फिर उसके बाद जो है वो रिस्क फैक्टर्स ऑफ फंगल एंड डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमें जनरल फीचर्स में कुछ बातें पता होना बहुत ज़रूरी हैं फंगल डिसीज़ के बारे में या फंगल फैशन के बारे में जैसा कि फंगल डिसीज़ इज़ कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट यानी कि ये मोस्ट कॉमनली सीन है इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या इम्यूनो सप्रेस पेशन के अंदर ठीक है एक्सेप्ट टू फनजाए डायमोफिक फंजा और डायमेटोफाइट्स के अलावा यानी इन दोनों फंजाए के अलावा आपको जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे उनमें फंगल इन्फेक्शन कॉमन होगा ठीक है देन इट इज़ टिपिकली सब एक्यूट टू क्रॉनिक एंड मोस्ट ऑफन जो है वो फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिसीज क्रॉनिक ही होते हैं एक्सेप्ट कैंडिडीमिया एंड मिकॉर्मैकोस ओके थर्ड इज़ डैट के पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिजन डज नॉट अकर यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिशन uh, नहीं होगा फंगल इन्फेक्शन का इट्स मीन दैट कि ये कंटीजियस नहीं है ठीक है एक्सेप्ट डेमेटोफाइट्स एंड म्यूकोकोटेनियस कैनिडल इन्फेक्शंस के अलावा देन नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स इट मीन्स दैट के कोई भी स्पेसिफिक साइन एंड नहीं होता फंगल डिसीज़ का या फंगल इन्फेक्शन का फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो दोनों के साइन सिम्टम्स सम हाउ सेम ही होते हैं ठीक है आप कोई स्पेसिफिक सैनिसम्ट नहीं है कि आप उसे जो है वो डिस्टिंग डिश कर लें या फिर uh, उसे डिफरेंस कर लें आप uh, एक डिफरेंस क्रिएट कर लें उसमें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ठीक है टिपिकल एंटीबायोटिक जो है वो इनफेक्टिव होती हैं इट मीन्स दैट कि uh, मैंने जैसे आपको बताया था कि एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंट होती हैं किसी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए ना ठीक है ऐसे सेम जो है वो ये है कि एंटी जो एंटी फंगल्स हैं वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रेजिस्टेंट होते हैं ठीक है लेकिन एंटीबायोटिक सिर्फ जो है नीमोसिस्टिस में जो है वो इफेक्टिव होती है अदरवाइज ये इनफेक्टिव होती हैं ओके सो so, अब हम यहाँ पे जो है वो रेस्ट फैक्टर ऑफ फंगल फैशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस फैक्टर मेजर भी हैं और माइनर भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मेजर कि मेजर कौन कौन से डिस्फैक्टर्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन के मेजर में सबसे पहले uh, है. और, uh, जो, तो है? Uh, then, जो है वो हिमेटो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है और पर्टिकुलरली जो फर्स्ट थर्टी डेज होते हैं इस ट्रांसप्लांट के तो उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है देन जो है वो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड ऑर्गेन ट्रांसप्लांट आता है इसमें भी जो है वो यानी सॉलिड ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में भी फंगल फैशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं थर्ड इज द इंडक्शन कीमोथेरेपी फॉर द हीटोलॉजिकल मेलेगनेंसीज माइनर फैक्टर्स में जो है वो कोई भी कीमोथेरेपी, कोई डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं हिमोडाइलिस है कोई केटिकल इलनेस है एड्स हैं या फिर अगर कोई पेशेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी फंगल uh, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिस्क फैक्टर्स विच आर कैटेगराइज इन टू माइनर एंड मेजर सो थैंक यू सो मच